हुआ यूट्यूब चैनल मानेंगे वंशिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आपको टाइटल से तो पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो आई एम फाइनली गोइंग टू सरोजनी। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कब जाऊँ एंड मैंने काफ़ी न्यूज़ देखी कि सरोजनी की ग्रेफिटी लेन बंद हो गई है, कलेक्शन बहुत बेकार हो गई है। सो आई रियली वॉन्टेड टू चेक इट आउट। सो आई एम फाइनली गोइंग एंड आपको लग रहा होगा कि इतना फुल फ्लेजेड मेकअप करके क्यों जा रही है, क्योंकि मैं एक दो वीडियो शूट करी थी एंड जाते जाते तो ये मेकअप बह ही जाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता ही है कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो या वी आर गोइंग टू सरोजनी एंड आई एम टेकिंग यू गाइज अलॉन्ग विद मी। सो या लेट्स गो गाइज। मैं हमेशा मेट्रो से जाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है एंड मैंने अपना थोड़ा बहुत मेकअप रिमूव कर दिया था बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था एंड बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। एंड मैं हमेशा एक बैग, एक पानी की बॉटल एंड कभी कभी ग्लूकॉन डी साथ में लेके जाती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। गाइस हम सरोजनी पहुंच चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। एंड मैं संडे को आई हूँ एंड संडे को तो आपको पता ही है कितनी भीड़ होती है। सो या लेट्स गो गाइस। मैंने मेट्रो के बिल्कुल सामने वाले गेट से एंटर करा था बिकॉज मुझे इधर काफ़ी अच्छी वैरायटी लगती है। सो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है हर चीज़ की, जैसे कि इयर रिंग्स, बैग्स, कुछ भी अगर आपको चाहिए हो, टॉप्स वगैरह। ये स्टार्टिंग वाले लेने में बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। जैसे ये एक भैया थे, ये बैग सेल कर रहे थे एंड ये 100 रुपीज़ का दे रहे थे एंड अगर आप बैग लाना भूल गए हो तो आप इधर से बैग्स परचेज कर सकते हो एंड शॉपिंग कर सकते हो। सो गाइस इधर 30 रुपीज़ के बहुत ही ट्रेंडी इयर रिंग्स मिल रहे थे एंड ये काफ़ी क्यूट कलर्स थे इसमें, लाइक ब्लू, सारे पेस्टल कलर्स आपको इधर मिल जाएंगे। सो इसके लेफ्ट एंड साइड पे एक ही शॉप थी जहाँ पर ये 100 पीस की सेल लगी हुई थी एंड इधर काफ़ी वैरायटी थी क्रॉप टॉप्स की, बेसिक टॉप्स की एंड अगर आपको रीजनेबल टॉप्स चाहिए जो आपको बहुत ऐसे ही पहनने होते हैं एंड अगर बेसिक स्ट्राइप्स वाले क्रॉप टॉप चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी एंड यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। सो उसी के अंदर वाली शॉप पे काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप्स की वैरायटी थी, 350 to 400 की रेंज थी एंड इधर काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे जो सारे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होते हैं, थोड़े प्राइजी होते हैं, आपको ये इधर रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे। सो इसके नेक्स्ट शॉप पे ये फिक्स प्राइस शॉप थी जो 300 की टी शर्ट सेल कर रहे थे एंड इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, जैसे ये बटरफ्लाई वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो इसके बिल्कुल सामने वाले शॉप पे एक ट्राउजर्स का रिंग लगा हुआ था एंड काफ़ी अच्छे प्राइजेस में काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस सेल कर रहे थे ये एंड अगर आप अपने ऑफिस वेयर के लिए ट्राउजर्स वगैरह कुछ देख रहे हो तो आप देख सकते हो एंड मुझे ये साइज़ नहीं आ रहा था तो मैंने कुछ नहीं लिया इधर से। इसके बाद मैं गई ग्रेफिटी लेन एंड गेस गाइस ग्रेफिटी लेन बंद हो चुकी है एंड अगर आप पहले से सरोजनी विजिट कर चुके हो तो आपको पता होगा ग्रेफिटी लेन में बेस्ट कपड़े मिलते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार ही मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बाद मैंने बिक्सी वाली लेन एंटर कर ली एंड बिक्सी के बिल्कुल सामने ये इयर रिंग्स का एक था एंड इधर से मैंने 2-3 पेयर्स लिए, वो मैं आपको हॉल में दिखाऊंगी। बिक्सी वाली लेन के स्टार्टिंग में ये पैंट्स वगैरह लगी हुई थी एंड मैंने इधर से एक पैंट ली है, वो मैं आपको हॉल में पक्का दिखाऊंगी। गाइस ये वाली लेन देख के मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं संडे को आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं मंडे को आई हूँ, क्योंकि संडे लग ही नहीं रहा था, इतना खाली सरोजनी मैंने आज तक नहीं देखा। सो उसके बाद गई मैं अपनी फेवरेट शॉप पे, एक ऐसी शॉप है जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी होती है, इधर काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको ड्रेसेस, टॉप्स वगैरह की, मैंने उनसे काफ़ी सामान लिया है तो मैं पक्का हॉल में दिखाऊंगी। सो गाइस इस पॉइंट पे आके हम बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो गई थी तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके बाद हम जैसे ही बाहर निकले तो हमें ये सिल्वर ज्वेलरी इतनी ज़्यादा वैरायटी दिखी, बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी इनके पास एंड बहुत अच्छे रेट पे प्रोवाइड कर रहे थे एंड कुछ रिंग्स भी लगी हुई थी, ये भी काफ़ी अच्छे रेट पे थी। उसके बाद जो बिक्सी का टी पॉइंट है उधर काफ़ी अच्छी ड्रेसेस लगी हुई थी एंड इनके पास काफ़ी अच्छी समर ड्रेसेस की कलेक्शन थी, मुझे काफ़ी पसंद आई एंड मैंने एक ड्रेस ली है इधर से। बिल्कुल इस शॉप के बाहर ही 200 की शॉर्ट्स और स्कर्ट मिल रही थी एंड गर्मियों में तो शॉर्ट्स और स्कर्ट काफ़ी चलती है। सो गाइस इसके बाद मैं शॉप नंबर 8 पे गई, आई थिंक दे हैड द बेस्ट वैरायटी ऑफ शर्ट्स एंड के पास काफ़ी अच्छी फ्लोरल शर्ट्स थी एंड मुझे काफ़ी पसंद है शर्ट्स, तो मैंने इधर से 3-4 शर्ट्स ली हैं एंड
शॉप नंबर 8 के बाहर ही इन्होंने 100 पीस की सेल लगा रखी थी, एंड इधर भी बहुत ही अच्छी वैरायटी थी क्रॉप टॉप शर्ट्स की, एंड काफ़ी इन है क्रॉप टॉप शर्ट्स, तो मैंने इधर से भी 3-4 शर्ट्स लिए हैं। यू आर लुकिंग फॉर नाइट सूट्स, तो इधर एक नाइट सूट का रिंग भी लगा हुआ था एंड ये 250 में सेल कर रहे थे। स्वामर हैंडलूम के बिल्कुल सामने सनग्लासेस मिल रहे थे, एंड आपको पता ही होगा कि सरोजनी में कितने अच्छे सनग्लासेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं, सारे ट्रेंडी ऑप्शंस आपको इधर मिल जाएंगे। सो इसी शॉप पे ये ट्रेंडी स्लिपर्स भी थे, 200 to 300 की रेंज में थे, डिफरेंट डिफरेंट एंड बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। सो इसके बाद मैं गई अपनी फेवरेट शॉप पे जो बिक्सी के बिल्कुल साथ में है, इनके पास बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है टी शर्ट्स की, एंड ये 200 फिक्स प्राइस शॉप है, एंड आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या लेना है, जैसे कि मैं अभी हो रखी हूँ। हाय गाइस, सो आई एम बैक होम, एंड आपको पता लग गया होगा मैंने फेस वॉश वगैरह सब कर लिया, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा तो सब पूछो मत, एंड मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा ऑयली से हो गए हैं। सो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि कितना ज़्यादा खाली खाली लग रहा था, एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं संडे को गई हूँ। संडे को इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी जब भी मैं जाती थी, एंड इतना अच्छा कलेक्शन मिलता था, बट सच में आज मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मुझे ड्रेसेस लेनी थी, सुंदर सुंदर प्रिटी प्रिटी कॉटन वाली ड्रेसेस होती हैं, बट वो मुझे वैसा कुछ नहीं मिला, मुझे सिर्फ एक ड्रेस मिली। मुझे शर्ट्स लेनी थी बट वो मुझे मिल गई है, बट वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढी, बहुत ढूंढने में मुझे वो शर्ट्स मिली हैं। सो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड मैं ये छोटे मोटे मार्केट टूर्स करती रहूँगी, एंड आप मुझे प्लीज़ बताना कि कोई भी इम्प्रूवमेंट या कुछ भी आपको लगता हो कि मैं कर सकती हूँ, आई विल श्योरली डू दैट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।